अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर एतजाज़ अहमद। आज इस छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज इस्लामाबाद में एडमिशन के हवाले से है। काफ़ी सवाल व्हाट्सएप पे आए और काफ़ी सवाल मुझे मेरे ज़ाती पेज पे इनबॉक्स में आए। तो बीइंग अ ग्रेजुएट ऑफ फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसकी बुनियाद पर तमाम सवालों के जवाब दे सकूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिल्डिंग को रखूँगा। फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की बिल्डिंग की बात करूंगा। जो MBBS सेक्शन है उसका तो कोई सिरे से अभी तक कोई बिल्डिंग नहीं है। गालबन ये 10वां के 11वां बैच अभी चल रहा है, लेकिन स्टिल फेडरल मेडिकल एंड कॉलेज की बिल्डिंग मिसिंग है, सिरे से है ही नहीं। जहां पे MBBS का सेटअप बनाया गया है वो एक पब्लिक सेक्टर का एक स्कूल है जिसके हाफ एरिया को कवर किया गया है, वहाँ पर MBBS का सेटअप बना दिया गया है और जो हाफ एरिया है वहाँ पर स्कूल का ही सेटअप चल रहा है। और BDS का अभी एक साल हो चुका है, BDS की बिल्डिंग है, काफ़ी शानदार बिल्डिंग है। BDS की अगर बिल्डिंग की बात की जाए, उसका सेक्शन अलहदा से है सिरे से, तो उसकी बिल्डिंग तो काफ़ी शानदार है, बढ़िया बिल्डिंग है। लेकिन MBBS की बात की जाए तो MBBS की बिल्डिंग सिरे से है ही नहीं। और ये जो जिस बिल्डिंग में अभी जो सेटअप बनाया गया MBBS का, उसमें भी काफ़ी केसेस चल रहे हैं, मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहूँगा। तो और दूसरी बात यह है कि ग्राउंड्स सिरे से है ही नहीं, जो कि फैसिलिटीज़ कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लेवल्स पे होनी चाहिए वो चीज़ें मिसिंग हैं फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में। प्राइवेट सबसे पहले बिल्डिंग की बात हुई तो बिल्डिंग है ही नहीं। अब जो सेटअप बनाऊँगा हॉस्टल के सेटअप के लिए, भाई हॉस्टल के सेटअप का तो क्लियर है, काफ़ी सारी अफवाहें हैं सोशल मीडिया पर कि फेडरल मेडिकल एंड कॉलेज का जो है ना हॉस्टल्स है नहीं है। तो इसका मैं आपको एक बात क्लियर एंड कट बता दूँ, भाई हॉस्टल्स गर्ल्स का हॉस्टल है जो कि गवर्नमेंट उसको ओन करती है, सही है। तो गर्ल्स की जो फीस है वो 36,000 पर एनम हॉस्टल की एकोमोडेशन चार्जेस हैं। इसमें जो है ना मेस के, मैं चार्जेस की जिक्र नहीं कर रहा, वो हर एक को प्राइवेटली मैनेज करना पड़ता है मेस के चार्जेस। बाकी गर्ल्स का हॉस्टल अवेलेबल है, लेकिन बॉयज़ का हॉस्टल सिरे से है ही नहीं। तो बॉयज़ को जो है ना मेस के चार्जेस भी और एकोमोडेशन भी उनको अपना प्राइवेटली एडजस्ट करना होता है, वो जहाँ चाहें वो एडजस्ट हो सकते हैं, उसमें वो कहीं पर बाउंड नहीं है। हाँ, जो गर्ल्स हैं उनका जो है ना गवर्नमेंट सेटअप है हॉस्टल का, तो वो वहाँ पे उनको जो है ना एडजस्ट कर लिया जाता है। अच्छा, अगर एकेडमिक की नज़र से देखा जाए फेडरल मेडिकल डेंटल कॉलेज को, तो एकेडमिक के हवाले से इसकी तालीम बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं अगर कहूँ कि जैसे बाकी पाकिस्तान के मेडिकल डेंटल कॉलेज में जिस तरह का माहौल है तालीम का, वो बिल्कुल बहुत आला किस्म का है यहाँ पर फेडरल मेडिकल डेंटल कॉलेज का। हाँ, और जो फीस की बात करूँ तो वो 24,000 पर एनम है ऑल ओवर MBBS के लिए। हाउस जॉब अगर पेरेंट हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो PIMS पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और FGH, ये दोनों पेरेंट हॉस्पिटल्स हैं फेडरल मेडिकल डेंटल कॉलेज के। तो PIMS तो हाउस जॉब के हवाले से बहुत आला है, वन ऑफ द बिजिएस्ट हॉस्पिटल है, और पब्लिक सेक्टर में अगर इसकी बात की जाए तो वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहलाता है। अगर मैं रॉन्ग ना हूँ इस हवाले से, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पब्लिक सेक्टर में, तो वन ऑफ द बिजिएस्ट। और मैं खुद करंटली एक हाउस ऑफिसर हूँ, तो जो उसका सेटअप है वो बहुत अच्छा है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जितना आप सोच रहे होते हैं उससे कई गुना आप ज़्यादा सीखते हैं। और सैलरी की बात की जाए तो वो आई थिंक 69,000 पर मंथ ही है, 69,000 के लगभग है। अच्छा, अब इस बात पर आऊँगा कि आया किन को एडमिशन लेना चाहिए किन को नहीं। तो जो कन्फ्यूजन्स में हैं कि आया हमें एडमिशन लेना चाहिए इसमें या नहीं, तो देखें इस पे मैं प्रोवेंस वाइज बात करूंगा। बलूचिस्तान के प्रोवेंस के अलावा जितने भी पंजाब सिंध KPK के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको अपने ही सेटअप में कहीं पे एडमिशन मिल रहा है तो गो फॉर दैट। सो डू नॉट पिक अप FMDC फॉर द एडमिशन अगर आपका अपने सेटअप में कहीं पर हो रहा है किसी भी मेडिकल कॉलेज में। हाँ, बलूचिस्तान के हवाले से बात करूँगा, बलूचिस्तान के हवाले से अगर बात करूँ तो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स अगर उनका एडमिशन FMDC में हो रहा है तो वो बलूचिस्तान के मेडिकल कॉलेज को छोड़ के FMDC को बिला बगैर किसी झिझक के ज्वाइन करें। उसके काफ़ी फ़ायदे हैं जो कि वहाँ पे नहीं है, काफ़ी सारे चीज़ें हैं जिसमें मैं डेप्थ में नहीं जाना चाहूँगा। अच्छा, दूसरी बात यह कि जो इस्लामाबाद के जो लोग हैं, जो इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स, अगर उनका एडमिशन हो रहा है तो वो भी बगैर किसी झिझक के इसको ज्वाइन कर लें फेडरल मेडिकल डेंटल कॉलेज को, जो जहाँ कहीं पे आपका बाहर हो रहा है। तो अगर आपका पंजाब किसी सेटअप में हो रहा है, आप जाना चाह रहे हैं, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर वहाँ पर आपका नहीं हो रहा और आप इस्लामाबाद के रहायशी हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो आपके लिए FMDC एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी सवालात थे उनका जवाब उनके जवाब आपको दे पाया हूँ, और वक्तन फवक्तन आपके साथ इंशाल्लाह वीडियो के थ्रू कनेक्ट रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।